ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ सर पहले तो आपका क्या शेड्यूल है क्योंकि ये आखिरी सप्ताह है चुनाव प्रचार का और क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव के केवल अब 7-8 दिन रह गए हैं और सभी सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है पर सर्वे में ये भी आ रहा है कि कोई दिखा रहा है 60 सीट कोई दिखा रहा है 62 सीट तो मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि खूब मेहनत करें आखिरी धक्का मारें हमें 80 से ज़्यादा लेके आनी है ताकि स्टेबल रहे सरकार सभी वोटर से भी अपील है पंजाब के सभी लोगों से भी अपील है कि अब सब लोग कोशिश करके हर वोटर जो है हर पंजाबी जो है वो भी पंजाब में ईमानदार सरकार बनाने के लिए सब लोग कैंपेनिंग में मदद करें हर व्यक्ति 10-10 वोट लाने की जिम्मेदारी ले ले तो पूरा पंजाब एक तरह से कैंपेनिंग में लग जाएगा सर, कितने दिन का शेड्यूल है आपका मैं अब आखिरी दिन तक हूँ आखिरी दिन तक रहेंगे सर नवनीत बिट्टू ने कहा कि पीएम डीजल को लेके जो कि बाइक बाई रोड ना आए बाई ए रहे उनको कहने दीजिए मेरा ये कहना है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है बॉर्डर स्टेट बड़ा नाजुक होता है उसमें इस किस्म से पीएम सिक्योरिटी को लेके इंटरनल सिक्योरिटी को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए अगर राजनीति होती है तो वो अच्छी बात नहीं है केजरीवाल सर आम आदमी पार्टी के लेकर ना विक्रम मजीठिया का बयान है कहते वो रेस में नहीं है उनको कहने दीजिए वो तो नतीजे वाले दिन 10 मार्च को पता चलेगा सर सीएम चन्नी जो है